नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बेरोजगारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे सकते हैं नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, बेरोजगारी और बिहार में उद्योग लगाने की बात सबसे प्रमुखता से इस चुनाव में उठाया गया था। ऐसे में अब नीतीश सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार सरकार की कवायद शुरू हो चुकी है। नए पारी के शुरू होने से 24 घंटे के भीतर ही राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मंगवाया है। बताया जा रहा है कि विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा देने को लेकर एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि विभागीय प्रमुख बताए कि उनके यहां स्वीकृत पदों के कितने पदों पर संविदा या नियोजन द्वारा कितने लोग काम कर रहे हैं। विभाग ने पहले से नियुक्त लोगों के अलावा कितने पद खाली पड़े हैं जिन पर संविदा के आधार नियुक्त किए जाने हैं, इसकी भी सूची मांगी है। समूचे बिहार में आज है खरना। लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस पर्व के शुरू होते ही बिहार में त्यौहार का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज व्रती खरना पूजा करेंगे। नहाय खाय के साथ छठ महापर्व की शुरुआत कल यानी बुधवार को हो गई थी। आज शाम खरना पूजा होगी। गुड़ और दूध में अरवा चावल से बनी खीर और रोटी का भोग लगाया जाएगा और इसे ग्रहण करने के बाद व्रती 36 घंटे तक चलने वाले निर्जला उपवास की शुरुआत करेंगे। हालांकि कोरोना के माहौल में इस बार घाटों पर ज्यादा चहल पहल नहीं देखने को मिलेगी। वहीं कोरोना को लेकर जरूरी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। गांधी सेतु पर महाजाम। छठ के अवसर पर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। पटना गांधी सेतु पर 36 घंटे तक लगने वाले महाजाम के कारण बुधवार को यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। न्यू बाईपास, देतारगंज गया मोड़ और अन्य इलाकों से लेकर गांधी सेतु तक लगे महाजाम के कारण गाड़ियों के खिसकने की जगह भी नहीं दिख रही थी। गांधी सेतु पर पूर्वी लेन बंद होने के कारण पटना सिटी के अलग अलग इलाकों में दोपहर 12 बजे से ही जाम देखने को मिल रहा था, जो कि रात करीब 3 बजे तक दिख रहा था। इसके बाद बुधवार सुबह 6 बजे से फिर महाजाम की स्थिति दिखाई दे रही थी। इसके कारण फल व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। छठ के मौके पर पटना से उत्तर बिहार के लिए भेजे जाने वाले फल की आपूर्ति बाधित हो गई है। हालांकि हाजीपुर सर्किट हाउस में बैठक कर वाहनों का सुचारू परिचालन कराने और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक विचार विमर्श किया गया है। सुशील मोदी को मिली नई जिम्मेदारी। सुशील मोदी से उपमुख्यमंत्री की कुर्सी लिए जाने के बाद उनके नाराज होने की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अब बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की नई जिम्मेदारी मिल गई है, जिसके तहत डिप्टी सीएम की कुर्सी जाने के बाद सुशील कुमार मोदी को विधान परिषद में नई जिम्मेदारी मिली है। सुशील कुमार मोदी विधान परिषद की आचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस आदेश पर मुहर लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विधान परिषद की आचार समिति बेहद महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है। यह एक स्थायी समिति है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसका गठन किया गया था। परिषद से आने वाले सदस्यों के अनुशासन के साथ साथ उनके आचार को लेकर यह समिति काम करती है। अगले दो दिनों में बढ़ेगी धुंध। छठ के शुरू होते ही बिहार में ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार आने वाले दो दिनों में बिहार में कड़ाके की ठंड देखने को मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दो दिनों में सूबे के कई इलाकों में धुंध में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पारा भी 1 से 2 डिग्री तक नीचे आ सकता है। बुधवार की शाम कुछ देर के लिए पटना के मौसम में बदलाव हुआ और मामूली बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन फिर मौसम साफ हो गया। हालांकि आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि झारखंड की तरफ से एक मौसमी बना है, हालांकि वो इतना प्रभावी नहीं था कि बारिश करा सके। छठ के मौके पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। छठ के त्योहार में पूरा बिहार त्योहार के रंग में रंगा हुआ है, जिसके तहत सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। महापर्व को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। छठ के मौके पर सुरक्षा के लिए 2500 जवानों को तैनात किया गया है और 5 अस्थायी थाने निर्माण भी करवाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम को छठ व्रतियों से लेकर पूजा में शामिल अन्य लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, इसीलिए तैनात किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दीघा, हल्दी छपरा और उल्लार के पास एक एक घोड़सवार टीम को तैनात किया गया है। मोकामा से मनेर तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 10 टीमों को तैनात किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, छठ व्रतियों को ध्यान में रखते हुए 6 वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। जीतन राम मांझी ने ली 17वीं विधानसभा के पहले सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर की शपथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर के रूप में उन्होंने शपथ ले लिया है। राज्यपाल फागू चौहान राजभवन में मांझी को शपथ दिलवाने पहुंचे थे।
मांझी को 17वें विधानसभा के पहले सत्र में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो 23 से 24 नवंबर को नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलवाने का काम करेंगे। आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में सदन का संचालन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 25 नवंबर को होने वाला है। दूसरी तरफ बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले को लेकर विपक्ष के रुख के बीच शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कयासों के बाजार भी गर्म हो गए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। कोरोना के माहौल में छठ के सफलतापूर्वक समापन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार काम जारी है। हालांकि विभिन्न स्तर पर घाटों के सफलतापूर्वक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था ठीक तरीके से रखने का निर्देश भी दिया गया। आयुक्त ने गंगा घाट, वंशी घाट, कृष्णा घाट, काली घाट, महेंद्रू घाट, कलेक्ट्रेट घाट का निरीक्षण किया। इस बाबत आयुक्त ने महेंद्रू घाट पर निर्माणाधीन वैकल्पिक पुल के प्रगति एवं मजबूतीकरण की स्थिति का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए छठ घाटों पर भीड़ भाड़ नहीं लगाने तथा छठ व्रतियों को यथासंभव अपने घर से ही छठ पूजा करने की अपील की है। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने की इस्तीफे की पेशकश। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में चिंतन की समीक्षा तेज हो गई है। पार्टी के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा करने के ऐलान के बाद कई पार्टी नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई दूसरे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने पद से त्याग पत्र देने की पेशकश कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नेता भी चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। पार्टी महासचिव तारिक अनवर भी हार के कारणों पर विचार की वकालत कर चुके हैं। बिहार के नए शिक्षा मंत्री को लेकर राजनीति हुई शुरू। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने मेवालाल चौधरी की शिक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर के राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों के आरोपी को शिक्षा मंत्री बनाया है। उन पर आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मामले दर्ज है। राज्य सरकार से सवाल पूछा कि क्या मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम और लूटने की खुली छूट दी गई है, जिस पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर लगे सारे आरोप निराधार है, मैं चार्जशीटेड नहीं हूं, सारा मामला कोर्ट में है, मुझ पर इल्जाम लगाने वाले खुद सलाखों के अंदर बंद है। बिहार के दो आईएएस अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार के दो आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत लघु जल संसाधन विभाग के सचिव संतोष कुमार मल्ल को अगले आदेश तक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल को अगले आदेश तक बेवरेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य ने कई नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता। पार्टी के विरोध में काम करने के आरोप में राजद ने ऐसे नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राजद ने पूर्व विधायक अब दुजाना और बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कार्रवाई की है। इसमें कद्दावार नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव, राजद जिलाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक अहमद उर्फ चांद को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर जगदानंद सिंह ने आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, राजद ने मोहम्मद शफीक खान को राजद जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वहीं लालू प्रसाद यादव को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रभास की नई फिल्म जल्द होगी रिलीज। बाहुबली फिल्म में चर्चा से आए प्रभास की नई फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष के रिलीज होने की चर्चाएं शुरू हो गई है, जिसके बाद आज ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। प्रभास की यह मेगा बजट फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद बाहुबली एक्टर प्रभास ने सोशल मीडिया पर दी है। प्रभास की एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया है कि उनकी फिल्म 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद आदि पुरुष को लेकर फैंस भी काफी ज्यादा उत्साहित है। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पौराणिक ग्रंथ रामायण पर आधारित है। आशीष नेहरा ने अपने टीम के बेस्ट 11 में विराट कोहली की जगह सूर्य कुमार यादव को दी तरजीह। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने आईपीएल के 13वें सीजन की अपनी बेस्ट 11 टीम बनाई है। नेहरा की इस टीम में विराट कोहली का नाम शामिल नहीं किया गया है। वहीं विराट की जगह उन्होंने सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में लिया है। नेहरा ने अपनी टीम में कप्तान कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को नहीं शामिल
शामिल किए जाने पर अपना बयान भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर आप बस टूर्नामेंट में प्रदर्शन की बात करें तो सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैं राहुल और वार्नर को चुनूंगा। नंबर तीन पर मैं विराट कोहली नहीं चुन रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। कोई भी T20 टीम बिना एबी डिविलियर्स के पूरी नहीं होगी, तो नंबर चार पर मैं उनको रखूंगा। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 90 लाख के करीब। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 45,576 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 89,58,484 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 585 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,31,578 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 83,83,603 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 4,43,303 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार छठ के इस महापर्व में घाटों पर कोरोना का ध्यान रखते हुए किन किन बातों का पालन करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।